हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू टाली डिजिटल क्लास। तो कैसे हो दोस्तों आप सब लोग? वेलकम टू टाली डिजिटल क्लास। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम मोस्ट आईएमपीज की यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले मैंने मोस्ट आईएमपी आपको बता दी थी, आई होप कि आपने वो समझ लिया होगा और उसकी तैयारी कर ली होगी। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ मोस्ट आईएमपी कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में। कॉस्ट अकाउंट की मोस्ट आईएमपी बीकॉम सेम फोर, ओनली फॉर बीकॉम सेम फोर कॉस्ट अकाउंट की वीडियो आईएमपीज मैं आपके सामने यहाँ पर रखने वाला हूँ। इसके पहले मैं मोस्ट आईएमपीज की वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जल्दी से वो वीडियो देख लीजिए, आपके काम आ सकती है। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ मोस्ट आईएमपी सेम फोर कॉस्ट अकाउंट के बारे में। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बाजू में तो बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए ताकि आप भी आने वाले समय में मोस्ट आईएमपीज की जान सको, ऐसी ऐसी मोस्ट आईएमपी देख सको। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर बीकॉम सेम फोर, ये बीकॉम सेम फोर कॉस्ट अकाउंट की वीडियो मोस्ट आईएमपी मैं आपके सामने यहाँ पर लेकर आया हूँ। बीकॉम सेम फोर कॉस्ट अकाउंटिंग, उसका चैप्टर वन की मैं यहाँ पर बात करूँ, चैप्टर वन की आईएमपी मैं यहाँ पर दूँ तो उसका सम नंबर है 12, 13 एंड 14। ये आईएमपी, ये सम जो आपके बहुत इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। मैं जो आईएमपी जो आपके सामने रख रहा हूँ उसमें से 50% मैं आपको यहाँ पर गारंटी दे सकता हूँ कि 50% आईएमपी जो है वो पूछा सकती है। मैं ऐसा नहीं कहता कि पूछाएगा ही, 50% मैं आपको यहाँ पर गारंटी दे सकता हूँ। इसके बाद चैप्टर टू के मैं यहाँ पर बात करूँ, चैप्टर टू क्या स्वाध्याय का जो सम है 2, 3, 5, 8 और 11, ये सम आपको तैयार कर लेने हैं। आने वाले समय में एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है दोस्तों, एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है, आपको तैयारी फुल रखनी है और ये आईएमपीज भी आपको देख लेनी है। एक बार आपके सामने मैं लेकर आ गया हूँ। इसके बाद ये चैप्टर टू का जो स्वाध्याय का जो सम नंबर है 2, 3, 5, 8 और 11। इसके बाद मैं आपको बताऊँ चैप्टर थ्री के बारे में, चैप्टर थ्री के आईएमपी में सम नंबर 12, 13, 14, 20 एंड 24। ये सम जो आपको तैयार कर लेने हैं, आने वाले समय जब एग्ज़ाम होगी तो आपके बहुत काम आ सकता है। आई होप कि आपकी तैयारी फुल चल रही होगी, आपकी फुल प्रैक्टिस होगी, आप अच्छी तरह से एग्ज़ाम में पास हो सकोगे। चलिए इसके बाद मैं चैप्टर फोर की आईएमपीज में यहाँ पर रखूँ तो 12, 13, 14 एंड 15, ये थोड़े बहुत सम्स मैं आपके सामने आईएमपीज के स्वरूप में रख रहा हूँ, आप इसे पढ़ लीजिए, बहुत ही काम आ सकता है ये आईएमपीज। तो दोस्तों फिर से एक और बार मैं आपको यहाँ पर दोहरा देता हूँ, बीकॉम सेम फोर कॉस्ट अकाउंटिंग चैप्टर टू सम नंबर 2, 3, 5, 8 और 11। चैप्टर थ्री की बात मैं यहाँ पर करूँ 12, 13, 14, 20 एंड 24। इसके बाद चैप्टर वन की मैं यहाँ पर बात करूँ 12, 13 एंड 14, ये थोड़े बहुत सम है लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए, आपके बीकॉम सेम फोर वालों के लिए। इसके बाद चैप्टर फोर की मैं यहाँ पर बात करूँ 12, 13, 14 एंड 15, ये कुछ बहुत ही छोटे बहुत सम थे। मैंने इसके पहले इकोनॉमिक्स, स्टेट टैक्सेशंस की आईएमपीज मैंने अपलोड की थी, आप मेरी चैनल पर जाकर देख सकते हो। तो आपको, आई होप कि आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दे इस वीडियो को
और चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। आगे मैं और भी बीकॉम सेम फोर एजुकेशन के रिलेटेड, और हाँ मैं आपको बता दूँ कि मैं टेली ईआरपी 9 की टेली ईआरपी 9 के बारे में भी मैं वीडियो बनाता रहता हूँ। आप उस पर देख कर टेली ईआरपी 9 सीख सकते हो। बहुत ही बारीकाई से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको समझ सको। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि अपने दोस्तों भी वीडियो को जान सके और IMPs पा सके। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, और आने वाले समय में बहुत ही करीब है एग्ज़ाम, तो आपकी तैयारी फुल चल रही होगी। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।